ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर। और मैं हूँ नीमा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गार्नियर की बीबी क्रीम। एक्चुअली मैं अभी तक यूज़ करती थी फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। सेटिस्फाई हूँ मैं इससे, बट मुझे इससे थोड़ी सी कंप्लेंट्स है कि ये थोड़ी देर बाद इस तरीके से वाइट होने लगती है बीबी क्रीम फेयर एंड लवली की। तो इसलिए मैंने सोचा इस बारी में ट्राई करती हूँ गार्नियर की बीबी क्रीम। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल कार्डबोर्ड के बॉक्स में है, सिंपल पैकेजिंग है इसकी। पीछे इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो मुझे लगता है कि हर किसी के दिमाग में रहते हैं कि बीबी क्रीम होती क्या है, ये मेरे लिए सही है कि नहीं, ये मेरी स्किन को कैसे काम करेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर इसमें दिए गए हैं पीछे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तरीका है। बीबी स्टैंड फॉर ब्यूटी बेनिफिट्स। बीबी क्रीम इज एन ऑल इन वन डेली मॉइस्चराइजर दैट हेल्प प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन जस्ट वन क्रीम। मतलब आपको इसके हिसाब से आपको ये लगाने के बाद और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मे भी हो सकता है ऐसा कि आपको फाउंडेशन कंसीलर वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए होता क्या है ना, रेगुलर यूज में इतना कुछ लगाने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम किस में स्विच कर सकते हैं, हम बीबी क्रीम सीसी क्रीम में स्विच कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर फाउंडेशन कंसीलर ये वो इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं लगा सकती हूँ। तो जैसे मुझे घर से बाहर निकलना होता है अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए या कुछ काम से मुझे जाना होता है, तो मैं स्विच करती हूँ हमेशा बीबी क्रीम पर। इसे बीबी क्रीम लगाया और काम हो गया। अगर बात करूँ मैं इसकी, तो इसमें लिखा गया है SPF 24 PA++ UVA UVB प्रोटेक्शन, मतलब ये आपके सनस्क्रीन का भी काम करेगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और इसको खोल लेते हैं। तो ये है इसकी ट्यूब। ट्यूब मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत ही प्यारे से कलर की है ये। स्टार्ट करते हैं देखना, पर इससे पहले मैंने जो अपने फेस पे ये क्रीम लगा रखी है इसको मैं हटा लेती हूँ। तो ये थी मेरी फेयर लवली की बीबी क्रीम। तो अब गार्नियर की बीबी क्रीम लगा के देखते हैं। थोड़ी सी ली है मैंने, क्योंकि फेयर एंड लवली बीबी क्रीम के साथ मुझे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर वो जरा सी भी ज्यादा हो जाए ना, तो वो बहुत ही अजीब से इफेक्ट देती है फेस पे, बहुत ही बुरी लगती है। तो इसलिए मैंने गार्नियर की ली है थोड़ी सी। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं ले रही हूँ एक स्पॉन्ज, जो कि मैंने हल्का सा गीला करके स्क्वीज कर लिया है ताकि मैं आराम से इसे ब्लेंड कर सकूं। तो चलिए मैं जल्दी से इसे ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर देखते हैं रिजल्ट। मैंने ये ब्लेंड कर ली है। कवरेज की अगर बात करी जाए तो ये लो से मीडियम कवरेज दे देती है। कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ी सी लिक्विडी फॉर्म में है, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फाउंडेशन ही लगा रहे हैं। ब्लेंड करना बहुत आसान हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि यह है लिक्विडी फॉर्म में, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, बहुत इजी है इसको ब्लेंड कर पाना, आपको ब्लेंड करने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं वेट करती हूँ थोड़ी देर का और देखती हूँ कि इसमें कुछ स्वेटिंग वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या वाइट पैचेस तो नहीं पड़ रहे हैं फेस पे। 15 मिनट्स हो चुके हैं मुझे इसे लगाए हुए और मुझे अभी तक तो कोई ज़्यादा स्वेटिंग की फीलिंग नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से आप अगर यूज़ करना चाहते हैं किसी बीबी क्रीम को, तो आप गार्नियर बीबी क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये 30 ग्राम बोतल का प्राइस है 165 रुपीज़, जो कि अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो आप चाहे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर ये रिव्यू रहे आपके लिए हेल्पफुल तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।